सोनभद्र में नशीले पदार्थ का सेवन करने से एक ही परिवार के 3 व्यक्ति बेहोश हो गए। मामला त्रिवेणी एक्सप्रेस का है जो बरेली से शक्तिनगर के लिए चलती है, जिसमें सफर के दौरान एक परिवार रॉबर्ट्सगंज के सोनभद्र रेलवे स्टेशन से अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ शक्तिनगर आने के लिए बैठे और अनपरा से शक्तिनगर के बीच ट्रेन में रखे हुए कोल्ड ड्रिंक को पत्नी व 2 बच्चे पीने के बाद बेहोश हो गए। जब पति ने स्टेशन पर पत्नी व बच्चों को उतरने के लिए देखा तो सभी बेहोश थे। पति ने पत्नी व बच्चों को तत्काल एनटीपीसी शक्तिनगर के संजीवनी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें खतरे से बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि तीनों की हालत अब ठीक है। यहां पे सर अभी एक स्वीट पॉइजन से रिलेटेड एक केस आ रहा है, वो क्या मामला है सर? ट्रेन में उन्होंने कुछ ले लिया था करके खबर है, और उसकी वजह से उनको जो भी पॉइजनिंग के, अरे उनके फैमिली में से एक को हुआ, एक को नहीं हुआ, बाकी 3 लोगों को हुआ। तो प्राइमरी फेसी तो यही लगता है कि उन्होंने जो पिया वो सही नहीं था, तो लेकिन उनको जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है उसकी वजह से उनकी बेहतर से है, और अभी आउट ऑफ डेंजर है सभी तीनों के तीनों, अभी आउट ऑफ डेंजर है, और मैंने जल्दी ही उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। वो सारे तीनों अभी ठीक ठाक ठीक है अभी।